अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन किचन गार्डनिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गार्डन में एक बिल्ली। बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो बिल्ली बैठी है और बिल्ली मेरे गार्डन से इतनी मोहब्बत कर रही है कि वो मेरे गार्डन को छोड़ ही नहीं रही। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्ली अब एक जगह से उठ के दूसरी जगह से तीसरी जगह, लेकिन वो गार्डन से कहीं दूर नहीं जा रही, क्योंकि गार्डन इतना कमाल का बना है और इसका बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि बिल्ली को बिल्कुल पसंद आ रहा है। और जब जानवर को पसंद आ सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं, हमें तो वैसे ही इतना प्यारा लग रहा है ये गार्डन। और जी हाँ दोस्तों, ये गार्डन का इकोसिस्टम और पूरी नेचर और इसकी लैंडस्केपिंग बड़ी कमाल की मैंने की है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। और बिल्कुल मैं आपके साथ ये अपने गार्डन की एक एक चीज़ शेयर करता रहता हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल अर्बन किचन गार्डनिंग पर आपको एक एक वीडियो मिल सकती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, इस गार्डन में बटरफ्लाइज भी आती हैं और शहद की मक्खियाँ भी आती हैं, क्योंकि मैं अपने गार्डन में कोई केमिकल यूज़ नहीं करता। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिकली अपने गार्डन को ग्रो कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी एक एक चीज़ जो इस गार्डन पे उगती है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उग रही है, चाहे उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल 100% नेचुरल। मैं अपनी गार्डन की एक एक वेजिटेबल को ग्रो कर रहा हूँ और उसके तमाम फ्लावर्स। और दोस्तों, अगर आपको ये बात पता है कि बीज को बिल्कुल पेस्टिसाइड्स बहुत बुरे लगते हैं और केमिकल्स और डिफरेंट फंजीसाइड्स और डिफरेंट जो साइड्स हैं, बीज उनसे मर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कोई बी किसी गंदी जगह बैठ जाए जो कि केमिकल या टॉक्सिन से पोल्यूटेड है, तो दोस्तों वो बीज अपने साथ वो केमिकल्स या अपने टॉक्सिन वापस अपने बी हाइव में नहीं ले जा पाती, वो ऐसे पहले ही मर जाती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने अपने गार्डन को बिल्कुल एक कमाल का ग्रो किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो बिल्ली बैठी है, बिल्ली के लिए कमाल का मौसम है और आज तो वैसे भी धूप है, तो बिल्ली के लिए बिल्कुल एक ठंडक का मकाम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने गार्डन को ग्रीन और लश बना लें, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से एक एक वीडियो देख सकते हैं और आप फुल गाइडेड मैंने वीडियोस डाला है ताकि आपको फुल गाइडेंस हो सके और आपको किसी किस्म का भी मसला ना आ सके। अब मुझको इस बिल्ली की नहायत ही एहतियात और केयर करने पड़ेगी, ताकि इसकी बिल्कुल खाना भी मुझे देना पड़ेगा, ताकि बिल्ली इस गार्डन को बर्बाद ना करे और बिल्कुल अमन से रहे और किसी पौधे को ना तोड़े। बिल्कुल अपनी वो बेशक खाना खाने के लिए ही आई है इस गार्डन में, और उसको मैं खाना आराम से खिला दूंगा और वो इंशाल्लाह इसके बाद चली जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी ही कमाल कमाल की वीडियोस डालता हूँ जो कि किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वो देखिए, बिल्ली भाग गई है, अब बिल्ली सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन वो गार्डन छोड़ना नहीं चाहती। और आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कमाल का एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग व्यू है और मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। वो देखो, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि दूसरी छतों पर, मगर उसने अपना सोच बदल ली और वह वापस आके अंदर ही बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ मोटिवेट करता हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल नेचुरली डेवलप करें, ताकि आपको खुशगवार माहौल मिले और बिल्कुल जीने का मज़ा आए और ज़िंदगी भी सुखी हो। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो बिल्ली सामने बैठ गई है अंदर शेड के नीचे आके और आराम से बैठ गई है और वो अब जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो इस एपिसोड में अब तक इतना ही, मज़ीद आने वाली एपिसोड में मैं आपके साथ मज़ीद गार्डनिंग की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अस्सलामुअलैकुम।